कमाल लाजवाब राहुल आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले इस वक्त चर्चित विषय बने हुए हैं। हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। ये बताया जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स वो नहीं खेलेंगे, तब तक उनकी मीटिंग संजीव गोयनका से हो जाती है, तो फिर चर्चाओं पर विराम लग जाता है और ये मान लिया जाता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स से ही केएल राहुल खेलेंगे, क्योंकि वहां पर रणनीति बन रही थी जब मीटिंग हुई संजीव गोयनका से कि किन खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा, किस तरीके से आगे खेली जाएगी। तो अगर किसी खिलाड़ी के साथ टीम का मालिक रणनीति बनाता है तो उसके बड़े मतलब होते हैं। लेकिन आज की बात करें तो आज बड़ा ऐलान कर दिया है केएल राहुल ने, खुद ब खुद लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका दे दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि वो आईपीएल 2025 में किस टीम से के लिए खेलना चाहते हैं और किस टीम के लिए धमाल मचाने के लिए तैयार है। सभी आरसीबी प्रशंसक ये जानना चाहते हैं, ये जानने की इच्छा रख रहे हैं कि केएल राहुल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जब केएल राहुल की मीटिंग संजीव गोयनका से नहीं हुई थी तो उससे पहले यही चर्चा हो रही थी कि वो आरसीबी से खेलेंगे। और खुद केएल राहुल ने आज के वायरल वीडियो में ये सबको बता दिया कि वो लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़कर आरसीबी में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं, आरसीबी के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। जो राहुल का इस वक्त का वीडियो वायरल हो रहा है वो क्या वीडियो है, उस वीडियो में क्या कुछ चर्चा करते हुए केएल राहुल नजर आए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उस वीडियो से ये तो साफ हो गया है, ये तो जाहिर हो गया है कि आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स से केएल राहुल नहीं खेलने वाले हैं। केएल राहुल या तो लखनऊ को छोड़ने वाले हैं या तो लखनऊ केएल राहुल को छोड़ने वाली है, ये बातें तो नहीं पता चलेगी, लेकिन रिलीज होने वाले हैं केएल राहुल, ये सुनिश्चित हो गया। बात करें वायरल वीडियो की तो उसमें केएल राहुल से एक क्रिकेट प्रशंसक पूछता है, 1-to-1 कन्वर्सेशन दोनों के बीच होता है, तो उसमें क्रिकेट प्रशंसक केएल राहुल से कहता हुआ नजर आता है कि मैं आरसीबी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आरसीबी को टाइटल उठाते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन ये भी सोच रहा हूं कि आप आरसीबी टीम से आईपीएल 2025 में खेलें, मजा आ जाएगा मुझे आईपीएल 2025 में अगर आरसीबी के लिए आप खेलते हैं, अपनी पुरानी टीम के साथ एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। इस बात पर केएल राहुल ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ हंसते हुए इस सवाल को टाल दिया। लेकिन फिर वही आरसीबी प्रशंसक एक बार और उसी सवाल को तोड़ मरोड़ कर और कुछ कहते हैं ना कि बातों को घुमाकर पूछता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहिए कि आप आरसीबी के लिए खेलेंगे या क्या कुछ रणनीति चल रही है उसको मत आउट करिए, लेकिन मैं इस बात पर आपसे कंफर्मेशन लेना चाहता हूं कि क्या आरसीबी के लिए आप धमाल मचाने के लिए तैयार हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा होप सो, मतलब ऐसी ही उम्मीद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बातें, भविष्य की बातें हैं, कौन किसके झोली में जाएगा ये अलग बात है, लेकिन ये बातें तय है कि भैया आरसीबी का राहुल से चर्चा हो गया होगा कि हम आपको ऑप्शन टेबल पर लेने जाएंगे। जैसा कि आपने देखा था जब ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी लेने गई थी ऑक्शन टेबल पर, तो पहले ही ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी को फॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पे, चर्चाएं मैक्सवेल और आरसीबी के बीच हो चुकी थी कि वो आपको ऑक्शन टेबल पर लेने जाएंगे, हर एक कीमत पर लेने जाएंगे। जब युवराज सिंह को 14 करोड़ में पहली बार आरसीबी ने लिया था तो विराट कोहली और युवराज सिंह का जो मीटिंग था उसका तात्पर्य यही निकला था कि आईपीएल में युवराज सिंह आरसीबी से खेलेंगे, और युवराज सिंह उस संस्करण में आरसीबी से खेले थे और उनकी हाईएस्ट बोली भी लगी थी, आरसीबी ने हर एक कीमत पर युवराज को अपनी झोली में डाला था। तो भैया ये जो उत्तर आया है होप सो, उससे ये सुनिश्चित हो गया है, ये तय हो गया है कि लखनऊ सुपर जायंट्स में तो राहुल नहीं होने वाले हैं, होंगे किस टीम में जाएंगे ये फ्यूचरिस्टिक बात है, ये भविष्य की बात है, क्योंकि ऑप्शन टेबल पर कौन बाजी मारेगा वो अलग बात है। लेकिन आरसीबी का दिमाग, आरसीबी के दिमाग में एक बात चल रही है, आरसीबी टीम मैनेजमेंट में ये चर्चा चल रही है कि राहुल को लेने वाले हैं, उससे भी बड़ी बात ये चर्चा होगी कि राहुल को कप्तान बनाने का सोचेंगे, उससे भी बड़ी बात ये होगी कि राहुल एक ब्रांड है भारतीय टीम के, उससे भी बड़ी बात एक ये होगी कि राहुल का करियर अभी लंबा चलने वाला है, फ्यूचर बहुत लंबा है राहुल का। तो इन सभी बातों को देखकर वो राहुल के पीछे भागेंगे, भागेंगे मतलब बड़ा भागेंगे, ऐसी बात नहीं है कि छोटी मोटी रकम लगाकर छोड़ देंगे, क्योंकि आपके कप्तान होंगे, आपके ओपनर बल्लेबाज होंगे, विराट कोहली के उपयुक्त विकल्प होंगे, राहुल का अपने आप में बड़ा क्रेज है और आरसीबी प्रशंसक भी राहुल को आरसीबी में देखना चाहते हैं खेलते हुए। तो जब इतनी बातें जुट जाती हैं एक खिलाड़ी के पीछे तो हर एक फ्रेंचाइजी यही सोचता है कि चाहे जितनी भी कीमत अदा करनी पड़े, क्योंकि फाफ डुप्लेसी सब कप्तानी के विकल्प आरसीबी के लिए नहीं रह गए,
अब नया फ्यूचर कप्तान वो आरसीबी को चाहिए, वो केएल राहुल के रूप में मिल रहा है उनको, सबसे उपयुक्त विकल्प मिल रहा है और वो हर एक कीमत पर केएल राहुल के पीछे भागने वाले हैं। केएल राहुल और आरसीबी की चर्चा हो चुकी है, केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स से नहीं खेलने वाले हैं ये भी तय हो चुका है। यानी कि अगर ऑक्शन टेबल पर केएल राहुल को आरसीबी हथिया लेती है, आरसीबी की झोली में आ जाते हैं, तो आरसीबी के कप्तान भी केएल राहुल होने वाले। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपका क्या मत। मिलते हैं आप अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।